जिसमें चैप्टर वन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन वन देखो, क्वेश्चन नंबर ए है, आंसर दिस क्वेश्चंस, आपको आंसर बताने हैं। फर्स्ट, व्हाट वाज द ओल्ड बेगर्स क्वेश्चन, आपको बताना है। वो ओल्ड बूढ़ा आदमी था ना, भिखारी जैसा दिखने वाला, उसने क्या क्वेश्चन किया था आपको वो बताना है। द ओल्ड बेगर आस्क्ड द बॉय, उस बूढ़े आदमी ने लड़के से पूछा, व्हाट्स योर ड्रीम, तुम्हारा सपना क्या है। क्या पूछा था उसने, व्हाट्स योर ड्रीम, तुम्हारा सपना क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड द नरेटर फील स्टार्टल टू द ओल्ड मैन्स क्वेश्चन। नरेटर यहाँ पे जो बॉय है ना इस चैप्टर में, छोटा लड़का, वो नीचे के बेड पे बैठता है, वही इसका राइटर है। इसके लिए क्या यूज हुआ, नरेटर। नरेटर आपको उस बॉय के लिए समझता है, तो इसमें पूछा है कि वो जो लड़का था वो उस क्वेश्चन को सुन के, बूढ़े आदमी के क्वेश्चन को सुन के क्यों चौंक गया था, स्टार्टर डर जाना, वो एकदम से क्यों डर गया था उस बूढ़े आदमी का क्वेश्चन सुन के, वो बताना है। He feel, उसने महसूस किया, स्टार्टर चौंका हुआ, वो लड़का चौंक गया, बिकॉज क्योंकि he did not think, उसने नहीं सोचा था that कि anyone will ask him, कि कोई उससे पूछेगा about his dream, उसके सपने के बारे में। वो लड़का narrator क्यों चौंक गया था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि कोई उससे एकदम से ऐसे उसके सपने के बारे में पूछेगा, इसलिए वो चौंक गया था। What was the narrator's dream? अब हमें पूछा है कि narrator का dream क्या है, सपना क्या है, राइटर का सपना क्या है, वो बताना है। The narrator wanted a room of his own. Narrator को क्या चीज चाहिए थी, अपना एक खुद का कमरा चाहिए था, और वो ही उसका सपना था। क्या था उसका सपना, a room of his own. क्वेश्चन नंबर फोर, What kind of room did the narrator live in? हमें बताना है कि narrator किस टाइप के कमरे में रहता था, उसका कमरा कैसा था वो बताना है। The narrator lived in a big room. Narrator कहाँ रहता था, एक बड़े कमरे में रहता था, but लेकिन he had to share it. वो उसको शेयर करता था, उसको शेयर करना पड़ता था with his brother, अपने भाई के साथ में, and sisters, और अपनी बहनों के साथ में। वो रहता तो एक बड़े कमरे में ही था, लेकिन उसको अपना कमरा दूसरे के साथ में शेयर करना पड़ता था। ये आपकी फोर क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, हाउ डिड द ओल्ड बेगर नो दैट द नरेटर वाज अ ड्रीमर। इसमें पूछा है कि वो बूढ़ा आदमी कैसे जानता था कि ये जो लेखक है वो एक ड्रीमर है, सपने लेने वाला इंसान है, वो बताना है। The old beggar found, वो जो बूढ़ा आदमी था, found, उसको मिला, the narrator, लेखक, on a लीची tree, लेखक उसको कहाँ मिला, एक लीची, लीची के tree पर मिला, while, जबकि, it was no लीची season, उस time पर लीची का season नहीं था, वो जो बूढ़ा आदमी था, उसको लेखक एक दिन मिला था लीची tree पे, और उस time पर लीची का season भी नहीं था, so, इसलिए he thought, उसने सोचा, बूढ़े आदमी ने सोचा that the narrator is dreaming something, कि ये जो लेखक है वो कुछ सपने ले रहा है, dreaming something मतलब किसी चीज के बारे में सोच रहा है, इसलिए लगा उसको बूढ़े आदमी को कि हमारा जो लेखक है वो एक ड्रीमर है। अब क्वेश्चन बी में देखो, टू पार्ट दे रखे हैं। पहले तो आपको बुक का कोई सेंटेंस दे रखा है, बुक का सेंटेंस का कोई पार्ट दे रखा है, उसके बारे में दो तीन क्वेश्चन है कि ये लाइंस किसने कही है और क्यों कही है वो बताना है। तो हमारा सेंटेंस देखो, बुक का क्या दे रखा है, आ ए रूम ऑफ योर ओन, तुम्हारा खुद का एक कमरा, ए ट्री ऑफ योर ओन, तुम्हारा खुद का एक पेड़, इट्स द सेम थिंग।
दिस लाइन्स, ये लाइन्स, बूढ़े आदमी ने ये लाइन्स कही थी टू द नरेटर, उस राइटर को, नरेटर को कही थी, उस लड़के को कही थी, ये बूढ़े आदमी ने कही थी ये लाइन्स। बी, बी वाला दे रखा है, व्हाई डिड द स्पीकर से ए ट्री ऑफ योर ओन, स्पीकर बूढ़े आदमी ने ऐसा क्यों कहा, ए ट्री ऑफ योर ओन, तुम्हारा खुद का एक पेड़, ऐसा क्यों कहा उसने। अब आंसर है बिकॉज, क्योंकि द स्पीकर हैड नोन, स्पीकर यहाँ बूढ़ा आदमी है, तो बूढ़ा आदमी जान चुका था अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द बॉय, उस लड़के की परेशानी के बारे में, बूढ़ा आदमी समझ के आता उस लड़के की परेशानी क्या है, इसलिए उसने कहा ए ट्री ऑफ योर ओन, तुम्हारा खुद का एक पेड़। अब उसका सी पार्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के अकॉर्डिंग व्हाई कांट मैनी पीपल हैव देयर ओन रूम्स, स्पीकर वो जो बूढ़ा आदमी है वो है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों के पास अपने खुद के कमरे नहीं होते, ओन रूम्स मतलब खुद के कमरे नहीं होते, तो उसने ऐसा क्यों कहा, स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा कि लोगों के पास अपने खुद के कमरे नहीं होते हैं, तो बूढ़े आदमी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि देयर इज नो लैंड, हमारे पास इतनी जमीन नहीं है, एज क्राउडेड एज फोर्स, जितनी हमारी भीड़ है, जितनी हमारी लोगों की भीड़ है ना, स्पीकर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जितनी हमारी लोगों की भीड़ है उतने हमारे पास जगह नहीं है, लैंड मतलब उतनी हमारे पास जमीन नहीं है। अब देखो टू, सेकंड क्वेश्चन है इसका, जिसमें आपको कुछ लाइन्स दे रखी है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चैप्टर की क्या लाइन्स दे रखी है, लिव लॉन्ग माई फ्रेंड, जीते रहो मेरे दोस्त, बी वाइज एंड स्ट्रॉन्ग, वाइज बुद्धिमान बनो एंड स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बनो, बट डू नॉट टेक, लेकिन मत लेना फ्रॉम एनी मैन, किसी इंसान से हिट सॉन्ग, उसका गाना। इसमें क्या कहा है कि मेरे दोस्त तुम जीते रहो मतलब बढ़ते रहो, बुद्धिमान बनो, ताकतवर बनो, लेकिन कभी किसी से किसी दूसरे का गाना मत लेना। तो ये क्या है, किसी सत्य के बारे में कहा था और बूढ़े आदमी ने कहा था, वो जो ओल्ड बेगर है उसने कहा था उस लड़के से, वो उसको समझा रहा था ना कि ऐसा मत करना, अपने सपने के लिए आगे बढ़ते रहो ऐसे। तो इसमें देखो क्या क्वेश्चन है, ए हु सेड दीस लाइंस एंड टू होम, ये लाइंस किसने कही थी और किसको कही थी वो बताना है। द ओल्ड बेगर सेड दीस लाइंस, बूढ़े आदमी ने ये लाइंस कही टू द बॉय, किससे कही, लड़के से कही। बी व्हाट डिड द स्पीकर मीन बाय डू नॉट टेक फ्रॉम एनी मैन हिज सॉन्ग, स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा कि किसी से उसका गाना मत लेना, सॉन्ग मतलब गाना, तो यहाँ सॉन्ग किसके लिए आया है हमें उसको एक्सप्लेन करना है कि स्पीकर ने यहाँ सॉन्ग के लिए क्यों कहा। तो देखो द स्पीकर मीन्स दैट, स्पीकर का मतलब था कि यू डू नॉट टेक, तुम्हें किसी से नहीं लेना है हिज ड्रीम, उसका सपना एंड थॉट्स और उसके विचार। या सॉन्ग का क्या मतलब है कि तुम्हें किसी से उसका सपना नहीं लेना और उसके थॉट्स भी नहीं लेने। क्वेश्चन नंबर सी, पिक आउट ए पेयर ऑफ रिमिंग वर्ड्स, आपको रिमिंग वर्ड्स मतलब सेम साउंड वाले वर्ड्स बताने हैं, पिक आउट मतलब अलग करने हैं, रिमिंग वर्ड्स सेम साउंड वाले वर्ड्स फ्रॉम लाइन स्टेट अबाउट, ऊपर वाली लाइन्स को देख के, ये जो टू लाइन आपको दी हुई है इनको देख के आपको क्या करना है, रिमिंग वर्ड्स फाइंड करने हैं, सेम साउंड के जो वर्ड्स है आपको वो बताने हैं। तो देखो किनका साउंड सेम है, लॉन्ग एल ओ एन जी लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग सेम है ना, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लास्ट में साउंड सेम आ रहा है, ऐसे ही सॉन्ग, इन तीनों का साउंड सेम आ रहा है, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग सॉन्ग, तो इनके लिए क्या बोलेंगे, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड सॉन्ग आर सेम रिमिंग वर्ड्स, ये सेम साउंड के वर्ड्स है। अब आपको आपके चैप्टर के जो क्वेश्चंस है चैप्टर से रिलेटेड वो यहीं तक है,
उसके बाद में कुछ ग्रामर क्वेश्चन है तो आप इनको लिख लेना अपनी कॉपी में और लर्न कर लेना।